जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 का 12वां मुकाबला एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें, यह मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों यह इस लीग का 12वां मुकाबला होगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और 31 मार्च को दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 3:30 बजे शुरू होगा और दूसरा मुकाबला रात के 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाने वाला है। दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है इस मुकाबले के लिए, हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी शुभमन गिल को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 12वें मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम ने अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से खेला था इसी मैदान पर, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स से उसे 63 रनों की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वो इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगा, जबकि हैदराबाद ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हराया था। दोस्तों हम आपको बता दें, पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाए थे और 278 रनों का एक विशाल टारगेट दिया था मुंबई को, लेकिन मुंबई की टीम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाई और 31 रनों से मुकाबला हार गई, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ी जीत मिली। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात की टीम में ओपनिंग स्लॉट में कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ रिद्धिमान साहा में ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं, और ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत विस्फोटक फॉर्म में अभी चल रहे हैं। तो वहीं दोस्तों नंबर 3 पर हमें साई सुदर्शन देखने के लिए मिलेंगे, और साई सुदर्शन ने भी आईपीएल 2024 में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, इसी वजह से तीसरे नंबर पर उन्हें मौका दिया गया है। तो वहीं दोस्तों अगर चौथे नंबर पर बात करें तो उमर जोई को मौका दिया है। दोस्तों हजमतुल्ला उमर जोई बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आईपीएल में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अगर पांचवें नंबर की बात करें तो विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर को मौका मिला है। दोस्तों डेविड मिलर ने पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली थी, तो इसी को देखते हुए पांचवें नंबर पर उन्हें मौका दिया गया है। तो वहीं दोस्तों अगर छठवें नंबर की बात करें तो विजय शंकर को मौका मिला है। हालांकि दोस्तों विजय शंकर आईपीएल 2024 में गेंदबाजी बहुत कमी कर रहे हैं, वह बल्लेबाजी के रूप में खेल रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से उन्हें बल्लेबाज के रूप में नंबर 6 पर खिलाने का फैसला किया है कप्तान शुभमन गिल ने। तो वहीं दोस्तों अगर सातवें नंबर पे बात करें तो राहुल तेवतिया को मौका मिला है। हालांकि दोस्तों राहुल तेवतिया एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल 2024 में वे एज ए बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी बहुत कमी कर रहे हैं, या हम कहें कि आईपीएल 2024 में अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। तो वहीं दोस्तों अगर आठवें नंबर की बात करें तो विस्फोटक ऑलराउंडर राशिद खान को मौका मिला है। दोस्तों राशिद खान ने आईपीएल 2023 में अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ काफी विस्फोटक बल्लेबाजी भी की थी, तो एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद करेंगे। तो वहीं दोस्तों नौवें नंबर पर बात करें तो साई किशोर को मौका मिला है। दोस्तों साई किशोर ने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, इसी वजह से उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है कप्तान शुभमन गिल ने। दोस्तों कप्तान शुभमन गिल हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेंगे, इस वजह से उन्होंने स्पिनर को शामिल कर लिया है प्लेइंग 11 में। तो वहीं दोस्तों अगर 10वें नंबर की बात करें तो जॉनसन को मौका मिला है। दोस्तों जॉनसन एक तेज गेंदबाज हैं और अभी पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और शुरुआती में विकेट चटकाया था, तो इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें 10वें नंबर पर खिलाने का फैसला किया है। तो वहीं दोस्तों अगर आखिरी पायदान यानी कि 11वें नंबर की बात करें तो विस्फोटक गेंदबाज मोहित शर्मा को मौका मिला है। दोस्तों मोहित शर्मा हालांकि टीम इंडिया में काफी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, लेकिन वह कितने घातक गेंदबाज हैं हर एक बल्लेबाज जानता है, तो हर एक बल्लेबाज उनसे बचना चाहेगा। और आईपीएल 2023 में फाइनल में मोहित शर्मा की बदौलत गुजरात की टीम पहुंची थी। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एसआरएच की प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट और मयंक मार्कंडे जैसे गेंदबाज भी हैं। तो दोस्तों अहमदाबाद में ये दोनों टीमें इस महासंग्राम को जीतने के लिए मैदान पर उतर